हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग सुमो हरियाणा। आई होप कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है, देख सकते हो। बहुत ही छोटा सा है दोस्तों और बहुत ही अच्छा है। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा और बेहतरीन आवाज़ है इसकी दोस्तों। तो दोस्तों, ये वाला जो मॉड्यूल है एम्पलीफायर का, ये 40+40 वाट का है, ठीक है दोस्तों। स्टीरियो एम्पलीफायर है ये, 40+40 वाट का है। और दोस्तों, ये पगारिया कंपनी का है और इसके अंदर जो आईसी यूज हुआ है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा आईसी यूज हुआ है। और इसके अंदर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, CS8673 आईसी का यूज़ किया गया है। और दोस्तों, ये 40+40 वाट का है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसको बैक करोगे तो यहाँ पर इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो देख रखा है। ये लेफ़्ट स्पीकर के लिए है दोस्तों, ये राइट स्पीकर के लिए। यहाँ पर आप 12 से लेके 24 वोल्ट दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों, आपको 5 वोल्ट भी इसके अंदर लगाने के लिए मिल जाता है। आपको अलग से कोई मॉड्यूल या 7805 लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर से आपको 5 वोल्ट आपका मॉड्यूल चलाने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर लेफ़्ट राइट और ग्राउंड इनपुट के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप सिग्नल दे सकते हो। और दोस्तों, जो पहले आते थे आईसी 44-40 वगैरह, तो उससे 73-88 वगैरह, तो उससे बहुत ही अच्छा ये एम्पलीफायर है। और कॉस्ट वाइज भी दोस्तों, आपके बजट में है, बिल्कुल ज़्यादा महंगा नहीं है ये। और इससे दोस्तों, आप एक बेहतर एम्पलीफायर आपका बना सकते हो। जैसे आपको ज़्यादा बजट नहीं है, तो कम बजट के अंदर इसका यूज करके दोस्तों, आप एक 4 इंची से लेकर दोस्तों 10 इंची का स्पीकर भी इसके अंदर बच जाएगा। तो मैं ये नहीं कि आपको बताने के लिए खाली है, मैं आपको पूरा इसको टेस्ट कराऊँगा, फिर आप इस पर बात करना दोस्तों कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन जो है कर लेता हूँ। तो यहाँ से पीछे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाता है 12 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो SMPS है, उससे मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों। और किस किस ने इस बोर्ड का यूज़ किया है तो मेरे को आप बताना। तो यहाँ पर पॉजिटिव मैंने लगा लिया है, अभी यहाँ पर हम नेगेटिव वायर का कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारा नेगेटिव हो गया है। तो दोस्तों, इसमें मैं 10-10 इंच के 2 स्पीकर कनेक्ट करने वाला हूँ। 10-10 इंच के 2 स्पीकर इसके अंदर लगाएंगे दोस्तों। तो ये हमारे स्पीकर की वायर है दोस्तों, यहाँ पे इसको भी लगा लेते हैं। जैसे ये हमारा पॉजिटिव हो गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा लिया मैंने, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा एक स्पीकर का हो गया, अभी दूसरे स्पीकर का लगाते हैं। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव हो गया दूसरे स्पीकर का हमारा यहाँ पर, और ये हमारा हो गया नेगेटिव। तो दोस्तों, यहाँ तक का हमारा कनेक्शन इसका हो गया है। अभी दोस्तों, यहाँ पर हमको ऑडियो का कनेक्शन इसके अंदर लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस वायर का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे सप्लाई देने के लिए दोस्तों, इसको सिग्नल देने के लिए मैं ये वाले मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। तो ये वाला मॉड्यूल का अगर वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों, आपको आई बटन में ऊपर वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर ब्लूटूथ होता है और यहाँ से चार्जिंग, और यहाँ से मान लो आउटपुट यहाँ से होता है दोस्तों, और यहाँ से भी इसका आउटपुट होता है सिग्नल। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसका ना एक बॉक्स बना लेते हो किसी बैटरी में लगा के, तो दोस्तों आपका एक ऑडियो रिसीवर बन जाएगा। तो एक मॉड्यूल तैयार हो जाएगा, किसी भी एम्पलीफायर को आप
ऑडियो देते हो बार बार में कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो इस टाइप से इसके अंदर एक बैटरी फिक्स करके और आप इसको अच्छे से बना सकते हो। इसमें चार्जिंग का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कनेक्शन हो गया है, अभी इसको सप्लाई देना है यहाँ पे, तो उसका भी मैं वायर लगा लेता हूँ। एक बार हमको इसमें 5 वोल्ट देना है तो उसका वायर मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन था कंप्लीट हो गया है। अभी इसको ऑन करके देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर म्यूजिक शुरू करते हैं और मैंने 10-10 इंची के 2 स्पीकर इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो अभी म्यूजिक ऑन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने आवाज़ क्वालिटी देख ली है। तो दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप आगे से इस बोर्ड का एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा और एक एम्पलीफायर बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।